एक गल मैं बैठे बैठे उन्हें ख्याल आ रहा है कि इमरान खान साहब दस दईए कि इमरान खान साहब गल वध गई है और गल जिथे तिकर वध गई है उतो हुण तुहानू एनआरओ नहीं मिलना ते घबराना नहीं है। हुण साडी आटा चीनी चोरी करके खा जांदा है ते सानू कहिंदा घबराना नहीं है और असी भी हुण इहनू कह देना है कि पुत्तर घबराना नहीं है और एनआरओ तेनू नहीं मिलना हुण तेरे कोलों असी हिसाब लैणा है जो जो जुल्म तू साडे नाल कर छड्डे ने 2-2.5 साल च उस सब का हिसाब लेना है तेरे को। और ए अजीब वजीर आजम है, मतलब मैं हैरान हाँ। मैं बड़ी कोशिश की थी, तारीख भी पढ़ी और मुतालिया भी किया, पूरी दुनिया च कोई वजीर आजम मुलक नु चुकन वास्ते की विजन देता है? कहना अंडे मुर्गियां कटे और ए विजन है, ए साडे वजीर आजम का नजरिया है। लंगर खाने खोल दिते। इस आदमी नु कौन पूछे कि भाई तेरे इस ते गैरत ना दी चीज नहीं, बट असी गैरतमंद लोग हां, करके खाना लिया चो है साडे ए लंगर खाने अल्लाह दे करम नाल उन्हां लोकां वास्ते हुंदे ने कि जो साहिब इस्तेदात ना होन। इन्हें पूरी कौम नू लंगर खाने दे मगर पूछिए कि जी की कीता गरीबा वास्ते, मैं लंगर खाने खोल दिता ने। और इसकी दिमाग दा अंदाजा इस गल तो लाओ कि आप ते अल्लाह दे फजल नाल ना उन्हें को अपना बिजली दा बिल देना है, ना उन्हें कभी अज तक अपना किचन चलाया है। वह भी दोस्त यार जड़े अगे रखे ने पैसे कट्ठे करते हैं ये और ये मामला चल देते हैं सीधे आप आम लोग हाँ, असी तो अपना आप करके खानी है। लेकिन इनू अजीब मैं हमने जो पोलीपाट साहब कह रहे सन भी अजीब इतफाक है कि एक पासे वे मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ लीडर वर्गे पैरोकार होंगे ने, तो दूजे पासे फिर मिलते ने ख्वाजा आसिफ साहब एहसन इकबाल साहब साड़ी भैन नौशीन इफ्तखार जारे शाह साहब, उधर वेखो ना की है, उधर इमरान खान है नाले फरदौस बाजी नाले उस्मान डार जिदा ना अगे का पता है ना पिछे का पता है, और जाली डिग्री आला जड़ा है ओ तुहाडा सियालकोट का लीडर बनया। मैं बड़ा दुख हों, मैं सियालकोट के मुकद्दर से बड़ा ही दुख हों कि तुहाडे वर्गे बाशऊर और कीमती लोगों का नुमाइंदगी करन कौन भेजते हैं उस्मान डार साहब न, और वो फरदौस बाजी का तो मैं क्या है वो जिते देग पकी होंगी ना घुमदी उ जाके कटोरा लैके पहुंच जाती है पहाड़ा। सियालकोट हमेशा बाजी की खातर करके उन्होंने घर भेजद है पर वो बड़ी मुस्तक तो चली जा ते थले आके फिर वो आ गई। और वो भी मैंने सुनिया है बड़ा, मतलब मैं इतफाक होया सुन का कि यह जो पूरा साडा मुल्क है ना यह क्यों नहीं है। मैं सोच रही हाँ कि साडे मुल्क पहले भी सब्जियां उगदियां सन, पहले भी गंदम होंदी सी, पहले भी चीनी होंदी सी, हुण की हो गया, एडी बेबरकती काजली हो गई है, इन्ना इन्ना इस मुल्क चो कित्थे चला गई है रहमत। और वो ते मैनू फिर एक गल समझ आई कि जदों भेजनी है ना मुलाजमान बड़ा गुस्सा चढ़ता है और बड़िया ही गाला कढ़न नू दिल करता है कि बड़िया ही बदवा देन नू दिल करता है कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए कि तू जेड़ा आटा 35 रुपए का लगता सी तू 55 तो 60 से कर दिता। और ए हुकूमत की प्राइस दस रही है ना, और जेड़ी जेड़ी चीनी जेड़ी है वो 50-55 सी 110-120 रुपए दे चली गई। और जदों जो कार का बजट असी खवातीन बनाने होंगे सी कुछ ना कुछ बचत भी कर लेती सी, हुण ए हाल है कि महीना पूरा करना मुश्किल होंदा है। और मैं समझ सकनी हाँ क्योंकि मैनू पता चलिया है कि तुहाडा सब का कारोबार दे नाल ताल्लुक है, तो कारोबार की तबाही जो लाई है इस आदमी ने पिछले 2.5 साल इन्हें 1 करोड़ नौकरी देने की गल की सी। और अज मैं नहीं कह रही, स्टेट बैंक जो साडा वड्डा बैंक है पाकिस्तान का, वह कह रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख लोग इन्हें बेरोजगार कर दिते ने। तो अपनी कारोबार की जगह पर तो पता होएगा
जिथे 20 मुलाजम सन हुण 5 रखने पैंदे ने, जिथे जिथे 50 मुलाजम सन उत्थे 15 रखने पैंदे ने। मुलाजमां नूं फारग कीता गया चुके कारोबार ने, और जो यह हालत है जिहड़ा इन्हें वादे किए सन, इन्ना झूठा और मुनाफक आदमी है, और मजे की गल है एडा पक्का मूंह बना के झूठ बोलता है कि बंदा हैरान हो जाता है। बंदे नूं आपने आप नूं सोचण ते मजबूर हो जाने कि यार ए झूठ बोलता है कि मैं पागल हाँ, कि समझ नहीं आती। इन्ना पक्का मूंह बना के झूठ बोलता है, कहना महंगाई नहीं आई। हुण बंदा पूछे जिस आदमी नूं इस बात का एहसास ही नहीं कि पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की च पिस गई है, जिसनों इस गल का एहसास ही नहीं कि लोगों को कारोबार नहीं है, और वो आके कहना मुल्क तरक्की कर रहे हैं। कल मजे की गल, कल उन्हें एक तकरीर, मैं तो वैसे कोशिश करने म्यूट करके उन्होंने मतलब थले पट्टियां पढ़ लेने, सुनना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं कल देखिया उन्हें क्या, उन्होंने कल इखलाकियात पे लेक्चर दिता इमरान खान साहब ने, क्यामत दी निशानियां ने, मैं लगता क्यामत आना ही है कि इमरान खान हुण सानू इखलाकियात पे लेक्चर देगा। जरा इसकी जबान का अंदाजा लगाओ, जरा इसकी तकरीर निकालो, और सो मच सो कि वो पता दुपट्टे लैके ते मुंह बना बना के सियासी मुखालफीन दी को करदा है। बेसिकली मैनूं वैसे लगदा है कि अखीर ते काम इन्हें यही करना है, इन्हों इन्हों काम यही मिलना चाहिए। ए जुगतवादी थिएटर वेटर इन्हें को यह करा लो, वज़ीर आज़म बस की गल नहीं है जी। और फिर कहता कि 22 करोड़ लोग मुसीबत हैं, ओ भाई तू वड्डी मुसीबत है इस मुल्क के उत्ते, असी मुसीबत नहीं। 22 करोड़ आवाम आखिर मुल्क चल रहा है, ये आन तो पहले मुल्क तरक्की कर रहा है, सड़क बन रही सन। जो मैं तो सियालकोट मोटरवे तो आनी हाँ, दिल चो बहुत दुआव निकलदियाँ ने मियाँ साहब वास्ते भी, ख्वाजा आसिफ साहब वास्ते भी, एहसन इकबाल साहब वास्ते भी, कि इतनी तरक्की की राह के उत्ते पाकिस्तान नूं चलान की कोशिश की, इस आदमी नूं लियान के चक्कर च बेड़ा गर्क कर दिता इस मुल्क का। और हुण यह हाल है कि जो मैं गल जिथों मैं शुरू की सी कि साडा हुण मैं अज तुहानूं यह कहण आई हाँ कि तुसी साडे नुमाइंदे बनना है। सानू यह मौका नहीं मिल रहा कि असी वोट की परची नाल अपने एहतजाज का जड़ा रिकॉर्ड कराइए। तुहाडे कोल इख्तियार है कि तुसी वोट की परची नाल एहतजाज रिकॉर्ड कराना है और मैसेज देना है इस वजीर आजम नूं। इन्हें समझ लिया कि असी शायद भेड़ पकड़ी हाँ, यह जो मर्जी करे जाएगा सानू फर्क नहीं पैंदा। यह महंगाई करे असी चुप कर जाइए, यह पेट्रोल की कीमत 3 वारी वधा दे असी चुप कर जाइए, यह साडे पेट्रोल च पैसे खा जाए, आटे च खा जाए। इन्हें अरबहा रुपया इहदे दोस्तां ने कमाया है आटा चीनी च। बिजली की कीमत जिहड़ी है वो जदों तुहानू याद होगा 11 रुपए यूनिट सी ना बिजली का बिल, उदों बिल साड़दा हुंदा सी, अज बिजली का बिल जो है वो यूनिट 23 रुपए हो गया है। और अज भी इस आदमी नूं शर्म नहीं आती यह कहते हुए कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। और कल इक्को ही गल उन्हें इंसानां लई कीती कल, जिहदे ते नाल मैं इतफाक करनी हाँ, और वह एवे कि जो वजीर आजम और वो वजीर चोरी कर उदो मुल्क तबाह हो जाता है। अज मुल्क जिस हालत च जितनी तबाह हाली है मुल्क साबित कर रही है। उन्हें वो चोर कह रहे थे भोली भाट साहब, ना 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 चोर नहीं, ए डकेत है, ए डकेत है, ए साडी जेबा ते डकेतियां करता है। और मजे की गल है कि शर्मिंदा भी नहीं होंगे। इस वास्ते 19 तारीख में तुसी मेरे वालों भी 4 दिल च जरा सुना सुनू के मेरे वालों भी प्लीज सारे जड़े वोट पाण जाओ, तुहाडे ते कर्जा है मेरा, मेरे वालों 4 जिहड़ियां ने वोट दी पर्ची दे नाल पा के आनी है जे। और इनू इंशाल्लाह ताला असी यह साबित करना है कि असी भेड़ बकरियां नहीं, असी इंसान हाँ, यह पाकिस्तान साडा मुल्क है और वजीर आजम साडे वास्ते बनाए जाते हैं। असी वोट की पर्ची नाल वजीर आजम बनाने, इनू तो खैर नहीं बनाया इस वास्ते इनू किसी का एहसास नहीं, लेकिन यह मुल्क साडा है और जो असी चाहवांगे इस मुल्क च वह होएगा। मैं अपनी सारिया भैणा नूं और मावां नूं कहना चाहनी हाँ, इन्हों का पुराना तरीका वारदात है कि औरतों के पोलिंग स्टेशन से दो नंबरी और गुंडागर्दी करते हैं, वो असी नहीं होने देनी। मैं आप भी इंशाल्लाह ताला 19 तारीख में इतने मौजूद होवांगी। मैं सिर्फ गुजारिश करना चाहनी, मैंने पता है इतने मौजूद होंगे ने, लिख रहे होंगे ने, नोट कर रहे होंगे ने, तो नोट कर लो कि बराए मेहरबानी हालात की जिम्मेदारी तुहाडे ते, असी पुरअमन शहरी हाँ, असी अपना वोट का हक इस्तेमाल करके अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई 2 नंबरी करन की कोशिश की, अगर कोई गुंडागर्दी करन की कोशिश की, तो याद रखो शरीफ बंदा सब तो वड्डा बदमाश हुंदा है। और सानू इस हालात पर मजबूर मत करिया जे कि पाकिस्तान के हालात खराब हो। 19 आला जिहड़ा मार्क है वो सर अंजाम दिओ, उस तो बाद असी सबने इस्लामाबाद जाना है और जाके
इन हाथ जोड़ के कहना है। वैसे तेन मैंने इन्हें कहा कि मैंने 500 बंदे कह के गो इमरान गो तो मैं दफा हो जाऊंगा, पर नहीं भाई वो शर्म नहीं आई, वो शर्म नहीं आ सकती। इस वास्ते असी सब ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च जरा शुरू करना है, वो भी सब ने जाना है। अपने हालात आप बनाई देने, अल्लाह ताला ने भी तकदीर जिहड़ी है इंसान के हाथ च रखी है, सो अपनी तकदीर बनाने वास्ते अपने कदम आप चुकने पैंदे ने। यह कह देना मेरे बाहर निकलने की होएगा, मेरा वोट पाड़ना की होएगा, हुंदा है। और जिन्हें वोट ना पाया वो कल गिला ना करे, उन्हें फिर 125 रुपए भी चीनी मिली ना तो फिर उन्हें घर लेके जानी है। और अगर पेट्रोल जोड़ा है वो 200 रुपये भी हो गया ना, फिर वो मूँह जोड़ा है वो चीज ना निकले, फिर वो बर्दाश्त करो, क्योंकि उन्हें इो कहना है कि देखो जी मैं तो क्या सी ना मुल्क तरक्की कर रहा, लोग खुश ने, लोग खुश ने, और असं यह दसना है कि ए असी खुश नहीं है। और तेरे वर्गी अजियत को जान छुड़ाना इस मुल्क के मफाद च, मैं दोबारा आखिर सिर्फ इन्नी गुजारिश करना चाहनी हाँ कि यह इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं, मुल्क की तकदीर का फैसला करना है, क्योंकि इस वजीर आजम को पैगाम देना है कि बस बहुत हो गया, इस तो ज़्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत साढ़े नहीं। अल्लाह ताला तुहाडा सब का हामी और नासर होए। पाकिस्तान जिंदाबाद।